डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है उसके बारे में आज की वीडियो हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर, किसी भी नियत तापक्रम पर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, किसी भी गैस की घुलनशीलता इन ए लिक्विड इज, किसी भी लिक्विड या द्रव में, यानी किसी भी गैस की घुलनशीलता किसके अंदर, किसी भी द्रव के अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, किस पर सीधा निर्भर है, पार्शियल प्रेशर जो आंशिक दाब है गैस का, प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड है या द्रव है उसके सरफेस के ऊपर जो गैस है वो जितना पार्शियल दाब बना रही है, आंशिक दाब बना रही है, उसके ऊपर निर्भर कर रहा है क्या, गैस की घुलनशीलता। यानी अगर तापमान निश्चित है, टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो किसी भी गैस की घुलनशीलता होती है किसके अंदर, द्रव के अंदर, लिक्विड के अंदर, वो किस पर निर्भर करती है कि उस गैस का आंशिक दाब कितना है, कहाँ पर, लिक्विड जो भी है उसके सरफेस के ऊपर। यानी कोई भी गैस कि जितना आंशिक दाब किसके ऊपर बनाएगी, लिक्विड के ऊपर बनाएगी, जितना प्रेशर बनाएगी लिक्विड के ऊपर, उस पर उसकी घुलनशीलता निर्भर करती है। सो वी कैन से दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, जो किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर घुलनशीलता है वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके ऊपर सीधा निर्भर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन लिक्विड। लिक्विड के ऊपर गैस जितना पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब बना रही है उसके ऊपर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आंशिक दाब बनाएगी उतना ही ज़्यादा उस गैस की घुलनशीलता होगी, उसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। अब क्वेश्चन आता है कि हमने पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है। पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब का मतलब होता है कि हो सकता है कि कई सारी गैसेज हों, कई सारी गैसों का मिश्रण हो, उन सारे गैसों के मिश्रण में वो स्पेसिफिक गैस जिसके लिए हम पता कर रहे हैं उसकी घुलनशीलता, वो कितना दाब बना रही है। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब है द प्रेशर एग्जर्टेड बाई ए गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, इग्नोरिंग द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर गैसेस। कई सारी गैसेस हैं, उनमें वो स्पेसिफिक गैस जिसकी हमें घुलनशीलता पता करनी है, वो स्पेसिफिक गैस कितना पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब बना रही है उसको हमें देखना होता है। जैसे अगर आप देखें, नॉर्मल प्रेशर ये है, ये आपका कोई भी लिक्विड है जो ब्लैक डॉटेड से दिखाया है, ये रेड कलर से जो दिखाए हैं आपके बबल्स, ये आपके किसी भी गैस को शो कर रहे हैं। यहाँ देखिए गैस ज़्यादा है आपकी, यहाँ लिक्विड के अंदर गैस की घुलनशीलता कम है, ओनली 3 droplets आर देयर। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, आप देखिए हमने प्रेशर को यहाँ पर इंक्रीज़ किया, किससे इंक्रीज़ किया, हो सकता है हम पिस्टन की सहायता से, कोई पिस्टन लिया उसकी सहायता से हमने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर को बढ़ाया, किसके, गैस के प्रेशर को। तो क्या हुआ कि गैस के ज़्यादा ड्रॉपलेट्स इसके अंदर चले गए, यानी कि ज़्यादा घुलनशीलता इसकी बढ़ गई, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। देखिए यहाँ पर काफ़ी कम आपके गैस के ड्रॉपलेट्स रह गए, ज़्यादातर किसके अंदर चले गए, आपके लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो गैस की घुलनशीलता बढ़ गई, जब प्रेशर नॉर्मल था तो गैस की घुलनशीलता कम थी, गैस ज़्यादातर अबव द सरफेस थी। प्रेशर बढ़ाने पर गैस की जो बबल्स थे वो किसके अंदर चले गए, लिक्विड के अंदर चले गए। तो किससे बढ़ाने से गए, जब हमने पिस्टन की सहायता से इस पर प्रेशर बढ़ाया तो आपके क्या हुई, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। इसको हम एक तरीके से और कह सकते हैं, हमने क्या कहा कि घुलनशीलता बढ़ जाती है, एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं, गैस की जो मात्रा है जो हमने मोल की तब में व्यक्त करते हैं, वो भी बढ़ जाती है। यानी कि घुलनशीलता का मतलब है कि गैस के जो मोल होंगे लिक्विड के अंदर वो भी बढ़ जाएंगे, सेम ही मतलब है दोनों का। तो अगर हम कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, इसको हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड और सॉल्यूशन, किसी भी गैस के जो मोल होंगे वो किस भी किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, सेम चीज़ के, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यानी जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गैस के मोल जो लिक्विड के अंदर होंगे वो भी बढ़ते जाएंगे। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं हेनरी के लॉ को इसके अकॉर्डिंगली, दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेस, जो किसी भी गैस का आंशिक दाब होता है
वेपर फेज में इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, वो मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, यानी जितने ज़्यादा मोल प्रेशर होंगे इसका मतलब क्या है, उतना ही ज़्यादा उसका आंशिक दाब है उसके ऊपर। तो जो आंशिक दाब है गैस का पी, वो किसके प्रोपोर्शनल है, जितने भी मोल फ्रैक्शन है गैस के एक्स सॉल्यूशन में। मोर इज़ द मोल फ्रैक्शन, मोर इज़ द पार्शियल प्रेशर। अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं लिक्विड के अंदर, इसका मतलब है कि उस पर आंशिक दाब भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के, एक्स के। यानी कि पी इक्वल टू इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं के एच एक्स, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल के साइन हटाने से हमारा नया सिंबल क्या आया, के एच एक्स आया। ये के एच एक्स जो है, दिस इज द हेनरी कॉन्स्टेंट, हेनरी, एच फॉर हेनरी, के फॉर कॉन्स्टेंट। तो के एच क्या है, हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट ने क्योंकि प्रोपोर्शनल दिया था तो जो भी कॉन्स्टेंट आया वो उसके नाम पर दिया गया। तो फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया कि पी इक्वल टू के एच एक्स, पार्शियल प्रेशर जो पी है वो के एच एक्स के बराबर होता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि ये जो हमारा हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट आया के एच, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसको अब देख लेते हैं। सो नाउ कम टू कि फैक्टर्स अफेक्टिंग हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट, जो हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट है के एच, वो किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है। तो निम्नलिखित फैक्टर्स से जिन पर आपका हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट निर्भर करता है, सबसे पहले आता है नेचर ऑफ द गैस, गैस किस टाइप की है। अलग अलग गैसों के लिए हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट के एच वैल्यू, यानी ऐसा नहीं है कि सभी गैसों के लिए के एच या हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। जो भी गैस होगी हर किसी गैस के लिए एक यूनिक वैल्यू होगी, किसकी, हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट की, ठीक है। पहला हो गया नेचर ऑफ द गैस पर निर्भर करता है। दूसरा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, जिस लिक्विड के अंदर, लिक्विड मतलब जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम गैस को मिला रहे हैं, उसकी नेचर पर भी निर्भर करता है। यानी हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट जो के एच है वो हर सॉल्वेंट के लिए, हर विलायक के लिए अलग अलग होगा। तो के एच वैल्यू ऑफ द गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। जैसे ही हम लिक्विड बदलेंगे, जैसे ही हम सॉल्वेंट बदलेंगे, के एच की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंगली बदल जाएगी। तो हर गैस के लिए अलग होती है, हर सॉल्वेंट या विलायक के लिए भी अलग होती है। तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। जो आपका के एच की वैल्यू है वो जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उसी के प्रोपोर्शनल में जो हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट है के एच, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। यानी टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड होता है कि आपका के एच की वैल्यू टेम्परेचर को बढ़ाने पर बढ़ जाती है, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट के ऊपर बेस्ड है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस ऑक्सीजन, यानी कि हमें गैसियस ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी यानी कि उसका कंसंट्रेशन पता करना है कि कितना घुलेगा वो इन वाटर, वाटर के अंदर। लिक्विड क्या है यहाँ पे, वाटर है। सॉल्वेंट मतलब वाटर, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। एट टेम्परेचर ऑफ 293 केल्विन टेम्परेचर पर, व्हेन द पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस है उसका आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर कितना है, 1 bar है, ठीक है। और हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए कितनी दे रखी है, 34840 bar liter per mole। तो आपको क्या दे रखा है, के एच की वैल्यू दे रखी है, आपको पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस पूछ रहे हैं, यानी कि गैस कितनी घुली लिक्विड के अंदर। तो फार्मूला हमें पता है, अभी हमने बताया था पी इक्वल टू के एच सी होता है। पी आपको दे रखा है 1 bar, तो पी की जगह 1 रख दिया। के एच आपको दे रखा है 34840, तो के एच की जगह 34840 रख दिया हमने यहाँ पर, के एच की जगह 34840 रख दिया। और सी आपको निकालना है, सी यानी कि कंसंट्रेशन कितनी घुली, सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सी क्या आ जाएगा, 1/34840। ये कितना आएगा, 2.87 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर। तो हमने सॉल्युबिलिटी या कंसंट्रेशन निकाल लिया किसका, जो भी कितनी घुली, कितनी सॉल्युबिलिटी हुई किसकी, गैस की, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। लिक्विड क्या है यहाँ पर, वाटर। तो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कितनी हुई, 2.87 × 10⁻⁵।